न जोड़ी किते नैन न जो। बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सलामत रहें, और आपकी टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप सबने मुझे याद किया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या वाह, याद किया क्या मतलब, इतनी खूबसूरत आवाज को कभी भूला जाता है? बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। आप तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, आप तो हर रोज साथ होती है। अल्लाह अल्लाह, आपको सलामत, आप बहुत तशरीफ रखिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। समझी ना, थोड़ा बहुत डाई हार्ड फैन है, आज ढाई लाके आए ने। मैं अर्ज कर रहा, मैं थोड़ा इतना फैन है, इतना फैन है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਨਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਲ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਤ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਨਮ ਜੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਸ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਪਰ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਏ ਇੱਡੇ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨ, ਬਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਮ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛਾਪੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਏਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਏਟ ਮੈਂ ਮਾਰੀ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਚੜ ਗਏ। ਸਰਮ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਫੈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਚਕਵਾਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਈ ਫਿਰ ਚਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਨਮ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ, ਔਰ ਮਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਯਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਲੀਏ अपने फन के जरिए जो खिदमात पेश की हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, आबाद रहें। बड़ा सेंसिटिव नाम है आपका, आपका नाम लेने से पहले बंदे को सोचना पड़ता है कि कोई काम भी होए, अब कोई किसी को कहे कि सनम, इस बात पे तो लड़ाई भी लग सकती है। नहीं तो अगे वो भी तो है ना, सनम मार भी। वो नाल दा बंदा कहता है, वो कहता है सनम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਸਨਮ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਮ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਭੀ ਕਿਸੀ? ਦੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਨਕੇ ਦੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰਵੀ ਪੱਥਰ, ਸਨਮ ਜੋ ਹੈ ਪੱਥਰ, ਮਾਰਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸਿੰਧੀ ਮੇਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੋ ਮਜ਼ਲੂਮ, ਤੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ और वो फिर मजलूम, तो ये दोनों मेरी शख्सियत से भी बहुत मिलते हैं, और ये है कि नाम बहुत शख्सियत पे असर करते हैं, तो ये दोनों अल्फाज जो हैं, दोनों लफ्ज जो हैं मेरे नाम के, ये खास हैं। खास हैं आपके लिए, इसलिए तो आप खास हैं पूरे मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया, हमारे उस्तादों की मेहनत है जो यहाँ पर आज आपके सामने बैठे हैं, आप सब बहुत बड़े लोग हैं, अच्छा काम करने वाले हैं। हाँ, लेकिन शागिर्दों की भी मेहनत होती है। एक सवाल था, उस्ताद बहुत जरूरी होता है, मैंने भी आज उस्ताद पे बात की, क्या आवाज गॉड गिफ्टेड होती है या कोई उस्ताद आपकी आवाज भी ठीक कर सकता है? गॉड गिफ्टेड आवाज जो है उस वो मतलब मैंने रियाज किया है, मैं गॉड गिफ्टेड थोड़ी बहुत, जैसे हमारे फैमिली में ये सारी चीजें होती हैं, बट ये है कि उस्ताद का होना बहुत जरूरी है, बगैर उस्ताद के कुछ नहीं है। क्या किसी कम अच्छी आवाज को भी उस्ताद बेहतर कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, मेहनत के साथ है, मतलब जो मेहनत करेगा, आजकल जो आर्टिस्ट आ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग पुराने लोग हैं जिन्होंने हमने हारमोनियम पर सुरमंडल पेन पे सीखा है, अब लोग कुछ और आ रहे हैं, और लोगों लोग की मतलब सोच म्यूजिक की चेंज हो गई है। क्या चेंज हुआ? चेंज ये हुआ कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक सॉन्ग की अकल आप वायरल है, आपकी मेहनत, आपने जो क्लासिकल सीखा इतना जमाने से, इससे बेहतर आज मैं सोचती हूँ कि ये बेहतर है कि मैं अपना सॉन्ग कोई वायरल कर लेती तो ज्यादा नजर आती। क्या कोई बेसुरा भी हो तो वायरल हो जाता है?
मुझे लगता है आजकल तो ज्यादा इस तरह से ही है। एक सिंगर मैंने मिले, मैंने पूछा मैं तेरा उस्ताद कौन है, उन्होंने कहा जी उस्ताद इलेक्ट्रिक ट्यूनर खान।